सऊदी अरब का नाम सुनते ही मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे किसी सख्त कानून की दुनिया में पहुंच गए। हालांकि आज हम आपको सऊदी अरब के बारे में जो 13 बातें बताने जा रहे हैं वह शायद ही आपने सुना हो। सऊदी अरब की कुल जनसंख्या का आधा भाग युवा है। यहाँ हर तीसरा व्यक्ति 35 साल की उम्र से कम है। सऊदी अरब में महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में कोई संविधान नहीं है, यहाँ पर कुरान को ही संविधान माना गया है। यह देश वास्तव में शरीयत के कानून पर ही चलता है। सऊदी अरब में महिलाएं कार नहीं चलाती है, यहाँ पर महिलाओं का कार चलाना प्रतिबंधित है। इस बात को लेकर यहाँ कई बार प्रदर्शन भी किए गए हैं, मगर अभी भी यह प्रतिबंध यथावत लगा हुआ है। इस्लाम के मुताबिक मक्का मदीना को पवित्र शहर माना गया है, लेकिन यहाँ गैर मुसलमानों का जाना मना है। हर साल यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ पर आने वाले यात्रियों की संख्या को सऊदी अरब ही नियंत्रित करता है। आपको बता दें कि साल 2011 में सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने की आज़ादी मिली। सऊदी अरब में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह करीब 25,000 स्क्वायर मील तक फैला हुआ क्षेत्र है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। सऊदी अरब में एक भी पानी का बड़ा स्रोत नहीं है और यहाँ पर पानी को एक बहुत ही दुर्लभ चीज माना जाता है। सऊदी अरब एक ऐसा राष्ट्र है जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर उसका इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में तेल इतना है कि वह पूरे विश्व में आयात किया जाता है, लेकिन यहाँ पानी तेल से महंगा है। सऊदी अरब में सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना पूरी तरह से बैन है। यह प्रतिबंध साल 2012 में लगाया गया है। सऊदी अरब के लोग साइडवॉक स्केटिंग के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। यह अपने ही तरीके का एक खेल है जिसमें कार को सिर्फ दो पहियों पर चलाया जाता है। सऊदी अरब ऊंट का सबसे बड़ा व्यापार करता है। यहाँ रोज करीब 100 ऊंट बेचे जाते हैं। सऊदी अरब में अकेली महिला चाहे वह स्थानीय हो या बाहरी किसी भी अजनबी पुरुष के साथ नहीं जा सकती। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि अगले वीडियो की